Safira Pakistan, program focus on the life and achievement of Pakistani American. Safira Pakistan. फरीदा दीदी आपके लिए और क्या कुछ लाई हैं, तो मुलायदा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरीदा ज़ैदी फॉर टीवी पाकिस्तान। 29-year-old ज़िया चिश्ती, वन ऑफ द यंगेस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, अ फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर टर्न्ड मिलियनेयर। जीवे जीवे पाकिस्तान के प्रोग्राम का आगाज हुआ जाता है। आज की नशरियात बड़ी दिलचस्प है। मौजूद नाज़रीन इकराम, आइए टेलीविजन पाकिस्तान का आगाज करते हैं पैगाम रब से, जो निहायत रहम और बड़ा माफ करने वाला है। Pakistan has completed the withdrawal of additional troops from the line of control, including Kargil sector, contrary to India's massive military reinforcement on frontline border position. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Bila kisi taakhir ke aapko liye chalte hain TV Pakistan ke geeton bhare program mein. और इसीलिए लोग कहते हैं राब्तों का एक नाम सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, ऑफ कोर्स सफीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अमरीन फैज़ी। नाज़रीन, अब वक्त हुआ आ चाहता है कि हम साल 2006 को खुदा हाफिज़ कहें और आने वाले साल को खुशामदीद कहें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये साल आलम इंसानियत के लिए और ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशियाँ और सुकून लेकर आए। आमीन।
नाज़रीन, ये हकीकत है, नया साल सर पे आ पहुँचा है और हमने 2006 को खुदा हाफिज कह दिया है। नाज़रीन, अमरीन ने सही कहा है कि हमें अल्लाह तआला से दुआ करना चाहिए कि आने वाला साल हमारे लिए खुशियाँ और नेमतें लेकर आए। मैं जानता हूँ कि पिछला साल बड़ा सख्त तरीन गुजरा है, बहुत से हालात ऐसे आए हैं कम्युनिटी में और दुनिया में मुसलमानों के लिए जो बड़े परेशान कुन साबित हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ये एक वादा है कि वो मुसलमानों की मदद करेगा और मुसलमानों को मुश्किल से निकालेगा। और हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि मुसलमान जहाँ जहाँ आबाद हैं वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और ऐसी चीज़ों से परहेज करें जिससे इस्लाम की बदनामी हो। तो वक़ार साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि नए साल के मौके पर आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। नाज़रीन, नए साल के मौके पे बताने को बहुत कुछ है। आने वाला साल बहुत से प्रोग्राम लेकर आ रहा है कम्युनिटी के अंदर, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ किस्म की तैयारियां हो रही हैं कि इस साल क्या कुछ होगा हमारी कम्युनिटी में। डेफिनेटली ये नया साल है, बजट प्लानिंग हो रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है लोगों की, यू नो। लेकिन हम आज आपको सफ़ीर पाकिस्तान में क्या दिखाएंगे। डेफिनेटली सफ़ीर पाकिस्तान ने एक लंबा सफ़र तय किया है, ये सफ़र बड़ा तवील है। ये सफ़र शुरू हुआ था 1989 से और अभी तक जारी और सारी है। पहले ये था टीवी पाकिस्तान, फिर ये सफ़ीर पाकिस्तान और जो कुछ भी है नाज़रीन आपके सामने है। पिछले साल आपने काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं सफ़ीर पाकिस्तान पे, लेकिन शायद आप बहुत सारे प्रोग्राम भूल भी गए होंगे कि आपने क्या देखा, और जो नए देखने वाले हैं उनको नहीं पता कि हम पिछले प्रोग्रामों में क्या पेश कर चुके हैं। वक़ार साहब, हमारे नाज़रीन को उस टीवी की कुछ तारीख बताएं कि कब इस शो का आगाज़ हुआ, कहाँ से आपने ये आइडियाज़, आपको कब से आया, कब से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, मीडिया में हैं? वेल, नाज़रीन, जर्नलिज्म तो मैं काफ़ी अर्से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, ओवर 30 ईयर्स। इसकी तारीख तो खैर कराची जंग से शुरू हुई थी, फिर अरब न्यूज़, सऊदी गज़ट, एल टाइम्स, रेडियो दिल दिल पाकिस्तान, टीवी पाकिस्तान, सफ़ीर पाकिस्तान, पाकिस्तान लिंक, पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर मैं बताऊं तो ये पूरा वक्त जो है ना निकल जाएगा कि सहाफ़त का आगाज़ कहाँ से हुआ। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान का आगाज़ 1989 में हुआ। एक्चुअली इसका आगाज़ तो 1985 से हो चुका था, जब हमने रेडियो दिल दिल पाकिस्तान कायम किया था, और ये पहला प्रोग्राम था। यहाँ पे किसी में इतनी हिम्मत और ज़रूरत नहीं थी वेस्ट कोस्ट में कि वो पाकिस्तानी प्रोग्राम कर सके इंडियन प्रोग्राम के सामने, लेकिन मैंने ये हौसला किया, हिम्मत की कि ये प्रोग्राम शुरू किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों की भी एक आवाज़ होनी चाहिए फिजाओं में। तो हमने रेडियो दिल दिल पाकिस्तान कायम किया। ये बहुत बोल्ड स्टेप था कि आप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं रेडियो पे, वो भी दिल दिल पाकिस्तान, और वो भी हिंदुस्तानियों के एक जत्थे के अंदर, उनके कई प्रोग्राम चलते थे। लेकिन इत्तेफाक से ये जो प्रोग्राम इंडिया के थे, ये पेश करने वाले पाकिस्तानी थे, जिसमें एक थे ज़फ़र अब्बास साहब और एक थे दैजी साहब, और उनका कहना ये था कि जी रेडियो दिल दिल पाकिस्तान ठीक है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकता, और उनकी ये हमेशा कोशिश रही कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान प्रोग्राम पेश कर सकें, लेकिन वो कर नहीं सके, कुछ मजबूरियाँ होंगी उनकी अपनी, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने ये हिम्मत की, मैंने कहा नहीं, रेडियो दिल दिल पाकिस्तान का आगाज़ करते हैं, तिलावत से आगाज़ होगा उसका, कौमी तराने पे ख़त्म होगा, और वो प्रोग्राम को इतनी पदीराई मिली कि वो बहुत कामयाब हुआ, और एक घंटे से दो घंटा हुआ, और 7 साल वो प्रोग्राम रेडियो दिल दिल पाकिस्तान चलता रहा। लेकिन नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि दौर बदलते रहते हैं, एक ज़माने में दौर था पत्थरों का, फिर पीतल का, तांबे का, फिर अखबार आया, कागज़ आया, तो इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी था पहले, लोग चैनल 18 पे, केबल पे प्रोग्राम दिखा करते थे, फिर एकदम सेटेलाइट आ गया। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि क्यों ना टीवी का आगाज़ किया जाए। उस ज़माने में हमारे थे तारिक अदीब साहब, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमेशा शिकायत करते थे कि जी ये देखें इंडिया वाले कितना प्रोपेगेंडा करते हैं कश्मीर का, हमें रोज़ ये सुनना पड़ती है। मैंने कहा जी देखें कारगिल वॉर में कितनी प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, एक्चुअली वी आर लूजिंग द वॉर ऑन मीडिया। तो उन्होंने कहा चलो जी टीवी का आगाज़ करते हैं।